छत्तीसगढ़ बीजेपी में भले ही मौजूदा सांसदों को मैदान में ना उतारने की बात कही जा रही है, लेकिन कई सांसदों को अभी भी टिकट मिलने का भरोसा है। सरगुजा से बीजेपी सांसद कमलभान सिंह ने आईबीसी 24 से खास बातचीत में कहा कि पार्टी का फैसला मंजूर है, लेकिन आखिरी दम तक टिकट के लिए कोशिश करते रहेंगे। कमलभान से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी ने। भाजपा प्रदेश प्रभारी अनिल जैन के एक बयान ने लोकसभा चुनाव के बीच खलबली मचा दी है। अनिल जैन ने साफ कर दिया है कि जो छत्तीसगढ़ में लोकसभा के प्रत्याशी होंगे वो नए चेहरे होंगे। सरगुजा सांसद कमलभान सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से इस बयान को देखते हैं और इस चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, बयान जो भी दिए होंगे राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुरूप दिए होंगे, और मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के दिए होंगे, और पार्टी का जो भी निर्णय होगा मुझे मान्य होगा। सर, ये जो अभी लोकसभा की तैयारी चल रही है, 10 सांसद भाजपा के थे और पूरी तैयारी सांसदों ने भी कर रखी थी इस बार के चुनाव में भी, अब किस तरह की रणनीति बनाकर काम करेंगे और कितना असर इसका चुनाव में पड़ेगा? रणनीति वही होगा जो चल रहा है। निरंतर भारतीय जनता पार्टी संगठन को महत्व देती है, संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं। प्रत्याशी कमल फूल होता है और उसका सब लोग मिल करके काम करते हैं। अपनी दावेदारी किस तरह से देखते थे इस लोकसभा चुनाव में? दावेदारी तो स्वाभाविक है, हर कोई चाहता है। हम अगर सांसद रनिंग सांसद हैं तो मुझे भी लगता है कि पुनः यह अवसर मिलता और जनता के सेवा पुनः करने का अवसर मिलता, और निरंतर यही प्रयास रहा है। और मुझे अभी भी देखिए, अभी डिसीजन तो हुआ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया के माध्यम से ये बातें आई हैं, हम लोग से बात भी नहीं हुआ है, और जो डिसीजन होगा, आखिरी गेंद जब तक नहीं फेंका जाता है तब तक आज तो लगाए रहते हैं, आस लगाए हैं कि हमने इतना लोगों के बीच में पार्टी संगठन के माध्यम से जो भी निर्देश आदेश रहा उसका पालन किया, और निरंतर हम करते आए हैं, करते रहेंगे। तो ये थे सरगुजा सांसद कमलभान सिंह जी, जिनका कहना है कि जो छत्तीसगढ़ के सांसद हैं उन पर कोई दाग नहीं है, और सांसद जी का ये भी कहना है कि अभी उन्होंने आस नहीं छोड़ी है, और क्रिकेट में जिस तरह से आखिरी बॉल तक मैच का निर्णय सामने आता है उसमें अभी निर्णय आना बाकी है, और उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर।